प्रणाम, खुश रहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, अनुभव लेने हैं। महारानी जी इस समय महाराज महल में नहीं है। महाराज, लेकिन उस समय हम आपको कुछ बता रहे थे, महाराज ने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। उस समय मेरी स्वामी जी आ गए, तो अब महाराज यहाँ से माल से चले गए हैं जंगल शिकार खेलने के लिए। हाँ। अब माल में किसी का डर नहीं है, कोई चीज का डर नहीं है। और महारानी जी आप राजमाता बन करके रहना चाहते हैं? बिल्कुल। अभी हम बता रहे हैं आपको राजमाता बनना कैसे है। कैसे? लेकिन आप पहले ये बताए कि छोटी महारानी महल में कैसे है। छोटी महारानी? हाँ, छोटी महारानी दो चार घंटे में एक बच्चे की माँ बनने वाली हो चुकी है। दो चार घंटों में? हाँ। की खा ले लगे रात की? ना, कल से जो है ना बिछावने पे रहती है महारानी जी। अगर कहीं छोटी महारानी इस समय बच्चे की माँ बनने वाली है तो यही मौका है। मौका? हाँ। कौन सा? अभी अभी छोटी महारानी बच्चे को जन्म नहीं दिए हैं। नहीं दिए? अभी हम यहाँ से जाएंगे डागरिन के घर। अच्छा। और जैसे डागरिन को बुलाकर महल तक लाएंगे प्रसव होने के समय में। अच्छा। और छोटी महारानी की आंखों में सात दोबर का पट्टियां बांध देना है। और तुम्हें अपनी छोटी बहन को? हाँ ठीक है, मैं बांध दूंगी। मुर्गा दे देना है कोठी में। मुर्गा कोठी में? दोनों टेंगड़ी चूल्हा में। दोनों टेंगड़ी चूल्हा में, ताकि बच्चे का जन्म होते समय उसे मालूम ना हो सके कि जन्म किस चीज का हुआ। जैसे बच्चे का जन्म हो जाएंगे डागरिन के द्वारा उस बच्चे को किसी गड्ढे में फेंकवा देंगे। गड्ढे में? उसके बाद? और बच्चे की जगह पे ईटा और पत्थर महल में रख देंगे। उसके बाद घंटे में आवाज लगाएंगे, महाराज जी दौड़ते हुए आएंगे। आप मेरे साथ रहिएगा ना? हाँ बिल्कुल, आपके साथ रहेंगे। नहीं तो अगर मैं, जैसे महाराज आएंगे और महाराज को आप खुशखबरी बताएंगे, जैसे महाराज आपसे बच्चे मांगेंगे आप महल से ईटा और पत्थर लाकर महाराज के गोद में रख दीजिएगा। ओ क्या आइडिया सोची है। महाराज कहीं पुत्र के जगह पे ईटा और पत्थर देखेंगे। हाँ। महाराज अपने पागल हो जाएंगे। सही बोल रहे हैं। छोटी महारानी के शरीर में वो करंट लगाना चालू कर देंगे। हाँ। जत्ता तरह से आवाज काम भेलो या ओत्ता बेसी सेब तो ही खावा लगो। देखिए ना सारी उरी भी पुराना बन रही हूँ, देवे नहीं करता। देखो कत्ता पछवारे में क्या लाग दाग लागल छै या ओ बेचारी जे हम बाथरूम में झरा फेर लिए। सुनिए मंत्री जी, में कोई केला वाला काटती हूँ। ई पैखाना करेल केला खेत तो महारानी जी बोलिए। इस समय महल से छोटी महारानी का आवाज आ रहे है। हाँ हाँ, इस समय आप जाइए महल जाइए। ठीक है मैं जा। जैसे छोटी महारानी को प्रसव होंगे अब हमको बुलाएगा, हम डागरिन के घर जाएंगे। ठीक है, आप जाइए छोटी महारानी के पास। ठीक है मंत्री जी, मैं जा रही हूँ। जाइए जाइए। वाह ए बरकाबो, जत्ते महाराज हमरा लहरेल कराती है सा आवे हमर बीमारी सन। जेने जेने कलिए बिनो पेनक लटावने मान गेल है। आई इसके छे औरत का छोटा दिमाग होई छै नी हो। देखो ये खै दिमाग में काम कर गेलै है। तो हम आई ने सुनो ना, हम रहबो ना लोग देखते सुनते टेम लाग गेल। एकरे एकरे हाथ छौ, हम जाय छै तो नहर बाहि ना एक बड़ा लगाए ये है। हां आहो या जदी ना हो आ देखिया हो बाबू जी। Oh,
मीठी मीठी सी दर्द हो रही है। आज लगता है मैं एक बच्चे की मां बनूंगी। चुकी हूँ और डगरन लेके आते होंगे, तुम चिंता क्यों करती हो? जल्दी से करो ना दीदी, चलो डगरन के पास। देखो बहन, इस महल की रीति रिवाज है कि जब माँ बच्ची को जन्म देती है उस समय आंखों में 7 दोवर पट्टी बांधे जाते हैं और पैर को चिल्हा में दिया जाता है, ताकि इस महल की रीति रिवाज है। इसीलिए मैं तुम्हारे आंखों में 7 दोबर पट्टी बांध रही हूँ। क्या सोनापुर की रीति रिवाज है? हाँ बहन, कि परसब के समय उनके आंखों में 7 दोबर पट्टी बांधे जाते हैं। हाँ, सर को कोठी में दिए जाते हैं। हाँ, और पैरों को चूल्हे में। तो जल्दी कीजिए ना दीदी, अब मेरी दर्द सा नहीं जा रहा है दीदी। बस बर्दाश्त करो, हाँ जानो नहीं आगे माँ, हाँ बचत Thank you.
चली गई मांझी जी, समय दरबार में मैं नहीं दिख रही। महारानी जी हाँ जी प्रणाम, बस बिट्टा मरी हूँ, बस बिट्टा में। लेकिन मंत्री जी क्या हुआ, जितना बताए उतना कर दिए? बिल्कुल, आँख में पट्टी बांध दिए। आँखों में मैं पट्टी बांध चुकी हूँ। मुर्गा को ठेवने कर लो, हाँ टेबरी चुनाव टेबरी को मैं चुनाव में डाल दी हूँ, मुर्गा को।